गाइस, लैपटॉप या पीसी दोनों में से कौन सा अच्छा है? आप फर्स्ट टाइम खरीदने के समय पे आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि कौन सा अच्छा रहेगा, आपके काम के हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा। ये दोनों के बीच में आप फंस जाते हैं, आप सोचते रहते हैं जो कौन सा अच्छा रहेगा, लैपटॉप या पीसी। गाइस, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, ये दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा, लैपटॉप या पीसी, और आपके काम के हिसाब से कौन सा अच्छा रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को देखते हैं। गाइस, लैपटॉप या पीसी फर्स्ट टाइम खरीदने के समय पे एक क्वेश्चन आता ही है। मेरे दिमाग में भी पहली बार आया था इस कंप्यूटर को खरीदने से पहले, ये लैपटॉप लेना अच्छा रहेगा या कंप्यूटर लेना अच्छा रहेगा। तो फाइनली मैंने पीसी ले लिया, लैपटॉप नहीं लिया। कैसे कॉमन ही है, आप फर्स्ट टाइम खरीदने के समय पे क्वेश्चन आएगा, जरूर आपके दिमाग में आएगा आएगा। तो गाइज, कुछ पांच पॉइंट है जिसके बेस से आप सजेस्ट कर सकते हैं आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो गाइज, फर्स्ट जो चीज है वो है पावर सप्लाई। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आप जो भी लीजिए, आपका पावर सप्लाई आपको मेन होना चाहिए। और पावर सप्लाई आपको मेन होगा और आपको क्या पावर आपको मिलेगा, तो गाइस पावर सप्लाई आपको सबसे ज्यादा आपको अच्छा मिलेगा आपके कंप्यूटर में, सबसे बेस्ट रहेगा कंप्यूटर में, क्योंकि लैपटॉप में बैटरी से उतना अच्छा आपको पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है जब आप चार्जिंग के टाइम पे, थोड़ा सा आपका इंक्रीज होगा जरूर पावर सप्लाई में। तो पावर सप्लाई में सबसे बेस्ट रहेगा आपका पीसी। उसके बाद आप जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी लेना चाहते हैं, आप कितना टाइम तक यूज करना चाहते हैं, आप 1 घंटे यूज करना चाहते हैं या 10 घंटे यूज करना चाहते हैं या 24 घंटे यूज करना चाहते हैं या 2 दिन तक आप यूज करना चाहते हैं, आप कितना टाइम तक आप यूज करना चाहते हैं लगातार, गाइस इसके ऊपर बेस करके आप चूज कर सकते हैं। आपको 1 या 2 घंटे या 6 घंटे या 7-8 घंटे आपको काम करना है तो छोटी मोटी काम करना है तो आप नेट वगैरह या कुछ टैली वगैरह कुछ ऐसे कुछ वगैरह कुछ आपको काम करना है तो आपके लिए लैपटॉप बेस्ट रहेगा, क्योंकि लैपटॉप में सब कुछ हो जाता है और आप अच्छी तरह काम कर पाओगे। आपको ज्यादा काम करना है 12 घंटे या 1 दिन 2 दिन आपको कंप्यूटर को चालू रखना चाहते हैं तो आप एक पीसी ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो मेरा पीसी है ये तो थोड़ा सा लो है, मगर फिर भी मैं इसको करीब करीब 1.5 दिन तक मैंने इसको लगातार चालू रखा था, मगर अभी भी कुछ नहीं हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो आप कितना टाइम तक यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में ज्यादा यूज करोगे तो आपको गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसीलिए आप ज्यादा टाइम तक 12 घंटे से ऊपर 1 दिन 2 दिन आप यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली आप ये ले लीजिए, पीसी ले लीजिए, आपका लिए बेटर रहेगा। लैपटॉप लेगा तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, 6-7 घंटे तक आप काम कर पाओगे, और गर्म हो जाएगा तो भाई आपको बंद करना जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप एक गेमर है, आपको गेम खेलना ज्यादा पसंद है, आपको गेम खेलना एकदम पसंद है, बहुत लोग यूट्यूब में गेम भी खेलते हैं, तो गाइज आप एक पीसी ले लीजिए, पीसी आपको लिए बेटर रहेगा। बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप भी है, मगर मेरे हिसाब से एक गेमिंग पीसी सबसे बेस्ट है और गेम खेलने के लिए एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलेगा, और आप रोज दिन आपको मॉनिटर लगा के आप गेम अच्छी तरह खेल पाओगे पीसी में, मगर लैपटॉप में ऐसे नहीं होगा। गाइज ठीक है, गेम खेलना है तो आपको डायरेक्ट पीसी में आ जाइए, बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है एडिटिंग। गाइस, आप एक यूट्यूबर हो या आप स्टूडियो में काम करते हैं या दूसरों के लिए आप इंट्रो वगैरह कुछ करते हैं तो छोटी मोटी एडिटिंग करना है तो आप एक लैपटॉप ले सकते हैं, आपके लैपटॉप में काम हो जाएगा। मगर हाई ग्राफिक एडिटिंग करना है तो आप हाई लेवल का एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप पीसी ले सकते हैं, पीसी आपके लिए बेटर रहेगा। जो हाई ग्राफिक बहुत सारे 3D इंट्रो है जो पीसी में ज्यादा अच्छी तरह चलता है, मगर लैपटॉप में उतना अच्छा नहीं चलता है। उसके बाद आता है अपग्रेड। गाइस, आप चाहते हैं धीरे धीरे आपको कुछ अपग्रेड करना है, फ्यूचर में आपको अपग्रेड करना चाहते हैं तो कुछ आप और भी चीज आप लगाना चाहते हैं तो आप पीसी ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। आप फ्यूचर में आपका कुछ ग्राफिक कार्ड या रैम वगैरह है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, आपका प्रोसेसर है तो आप प्रोसेसर भी एक्सचेंज कर सकते हैं, मदरबोर्ड छोटा है तो आप बड़ा लगा सकते हैं, आपका कैबिनेट जो है कैबिनेट को आप चेंज कर सकते हैं, तो आपका अपग्रेड के लिए बेस्ट रहेगा आपका पीसी। लैपटॉप में उतना नहीं होता, लैपटॉप में आपका सिर्फ रैम और आपका हार्ड ड्राइव, ये दोनों चीज आपका बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, मगर ज्यादा कुछ आप अपग्रेड नहीं कर पाते।
और गाइस पीसी में क्या होता है, आप बहुत कुछ चीज ऐड कर सकते हैं, एक से दो दो तीन चार मॉनिटर आप ऐड कर सकते हैं, आप कीबोर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, माउस वगैरह चेंज कर सकते हैं, लैपटॉप भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मगर पीसी में ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। गाइस आप ज्यादा घर पे नहीं होते, आपको हर वक्त बाहर में जाना ही रहता होता है, तो आप एक लैपटॉप ले लीजिए, आपको लैपटॉप से आप काम कर पाओगे, छोटी मोटी काम कर पाओगे। हाँ बहुत सारे ऐसे भी लैपटॉप है जितना थोड़ा सा बजट ज्यादा ज्यादा है और उसमें आप अच्छी तरह एडिटिंग वगैरह कुछ करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, मगर 50,000 के आसपास में बहुत सारे ऐसे भी लैपटॉप है जो अच्छी तरह आप एडिटिंग कर सकते हैं, अच्छी तरह छोटी मोटी गेम खेल सकते हैं। आपको कुछ करना है तो आप ले सकते हैं, आपको बाहर जाके कुछ करना है तो आप एक लैपटॉप भी ले सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही जगह पे बैठ के आप काम करते हैं, लैपटॉप होगा तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा, आप कहीं पे भी जाके आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। लैपटॉप सिर्फ इसी के लिए बनाया गया था, कहीं पे जाके थोड़ा बहुत काम करने के लिए, नहीं तो कंप्यूटर आपके घर पे एक जगह पे बैठ के आप उसको काम कर सकते हैं और लंबे समय पे आप इसको यूज कर पाओगे। ऐसे 5-6 कुछ टिप्स था जो आपको जानना जरूर चाहिए, आपको लैपटॉप लेना चाहिए या कंप्यूटर लेना चाहिए, आप इसके ऊपर आप बेस करके आप देख सकते हैं आपको क्या लेना चाहिए और आप काम के हिसाब से आप क्या देखना चाहते हैं। आप ज्यादा घर पे नहीं होते, आपको छोटी मोटी काम करना है तो आप एक लैपटॉप ले लीजिए, 20,000 के आसपास बहुत सारे आपको ऐसे लैपटॉप मिल जाएगा जो आपको छोटी मोटी काम करना, छोटी मोटी आपको ब्राउज करना, नेट वगैरह करना आपको उसमें हो जाता है, मगर आप ज्यादा कुछ अच्छी तरह काम करना चाहते आप एक हायर कुछ काम करना चाहते हैं, आप ज्यादा हाई ग्राफिक काम करना चाहते हैं तो आप एक पीसी ले लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। और गाइस आप एक यूट्यूबर हो तो मेरे हिसाब से दोनों चीज ही बेटर रहेगा अभी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने तो कंप्यूटर ले लिया है और मुझे अभी लैपटॉप होता तो एक थोड़ा और आसान हो जाता, मगर अभी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ बाद में ले लूंगा। तो गाइस एक कुछ टिप्स था, इसी के ऊपर बेस करके आप देख सकते हैं क्या लेना चाहिए नहीं चाहिए। गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कंप्यूटर को ऊपर बनाऊँ, आपके काम के हिसाब से कौन सा कंप्यूटर आपके लिए बेटर रहेगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, मैं सोच रहा हूँ आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ठीक है गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल सुझाव है तो एकदम लास्ट में देखिए कमेंट बॉक्स में, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस आप नया है तो आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है वो भी आप क्लिक कर दीजिए, उससे क्या होगा मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, गुड बाय।